अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना सर अली। यहां पर फाइनली दोस्तों हमने नया कैमरा ले लिया है दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है। पुराना कैमरा बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी दुआओं से हमने नया कैमरा ले लिया है, आपकी सपोर्ट से। यहां पर दोस्तों आपने क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जैसे भी क्वालिटी है आपने वीडियोज़ देखी, लाइक किए, कमेंट्स किए, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों को देखते हुए यहाँ पर बिग प्राइस ड्रॉप वाली वीडियो आज हम ले आए हैं दोस्तों। ब्लैक मार्केटिंग तो हमने स्टॉप करना है, ब्लैक मार्केटिंग में कोई फ़ोन नहीं खरीदना, बहुत फ़ोन सस्ते होने जा रहे हैं दोस्तों, और आज भी काफ़ी फ़ोन सस्ते हो गए हैं। तो आपको एक एक करके फ़ोन बताएं, काफ़ी कंपनीज के फ़ोन सस्ते हो गए हैं। तो वीडियो कंपनी देखेगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक नहीं काफ़ी फायदा होने वाले हैं। अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज, पबजी टेस्ट, ये सारा को इंशाल्लाह आपको टाइम पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर फ़ोन सस्ते इसलिए हो रहे हैं कि तो यहाँ पर इम्पोर्ट जो है, कस्टम ड्यूटी वगैरह वो काफ़ी कम हो चुकी है, इम्पोर्ट जो है वो खुल चुकी है, और जो स्टॉक कंपनी के पास पड़ा हुआ था वो कंपनी स्टॉक निकालने की कोशिश कर रही है, एक से एक नए मॉडल आ रहे हैं। इस वजह से दोस्तों कंपनीज़ को अब सस्ते करने पड़ेंगे फ़ोन, और काफ़ी सस्ते होंगे। यहाँ पर भाई हमारे पास लिस्ट मौजूद है, सबसे पहला जो फ़ोन है दोस्तों, यहाँ पर मैं पिछली वीडियो में बताना ही भूल गया था, टेक्नो की तरफ से कैमन 20 प्रो। जी हाँ, ये 61,000 रुपये की प्राइस में था दोस्तों, ये आ गया है डायरेक्टली 40,000 रुपये की प्राइस में। तो कितना प्राइस कट हुआ, तकरीबन 16,000 रुपये का प्राइस कट। तो ये डिस्काउंट के बाद तकरीबन 45-44 तक आराम से मिल जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा, बट 40,000 प्राइस हो चुकी है दोस्तों। 8GB 256GB कैमन 20 प्रो जो कि मिल नहीं रहा था, लेकिन कंपनी ने प्राइस ड्रॉप की तो खुद ही निकाल दिया डीलर्स ने। उसके बाद रेडमी के फोन्स की प्राइसेस कम हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। रेडमी यहाँ पर शाओमी 12, जी हाँ दोस्तों, रेडमी 12 जो है वो 8GB 256GB 40,000 रुपये की प्राइस में था, 38,000 में आ गया है। ये और मोर डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट में, देखने को मिल जाएगा तकरीबन 36 तक। रेडमी 12 का 8GB 128GB वाला वेरियंट जो है उसकी प्राइस भी कम हुई है, वो पहले 37,000 रुपये का था, अब 35,000 का है। ये मोर डिस्काउंट करके आपको 33-32 तक देखने को मिल जाएगा। रेडमी 12 में तीसरा वेरियंट 4GB 128GB वाला है, उसमें आपको 35,000 का प्राइस कट, पहले 35,000 था प्राइस, अब 33,000 की मिलती है, मतलब 2,000 का प्राइस कट लगा है, वो आपको मजीद डिस्काउंट के बाद तकरीबन 31,000 के करीब करीब देखने को मिल सकता है। इसके बाद शाओमी के दो फोन्स की और प्राइसेस कम हो चुकी हैं। रेडमी नोट 13 60,000 का था, 55,000 रुपये का हुआ है, 5,000 का प्राइस कट लगा है, 8GB 256GB वाला दोस्तों, इसमें मोर डिस्काउंट करके 52-51 तक मिलेगा। रेडमी नोट 13 8128 वाला 55,000 रुपये का था, ये 50,000 रुपये का हो चुका है दोस्तों, 5,000 का प्राइस कट डायरेक्टली लगाए, लेकिन इसमें और ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा आपको, मजीद तकरीबन 48-47 तक मिल जाएगा ये। उसके बाद ओप्पो का ओप्पो A38, ये आपको प्राइस कम हो गई है दोस्तों, यहाँ पर 40,000 का था, ये डायरेक्टली 36,000 रुपये का हो गया है, 4,000 का प्राइस कट लगा है। इसमें भी आपको और मजीद ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तकरीबन 33,000 तक आराम से मिल जाना चाहिए, 33-33 तक। और एक जो हमारे पास लास्ट में मेरे ख्याल फ़ोन सारे पूरे हो गए हैं दोस्तों, हाँ एक विगोटेल स्पार्क 20C था दोस्तों, क्योंकि पिछली वीडियो में नहीं बताया था, स्पार्क 20C 27,000 का था, 25,000 रुपये का हो गया, 2,000 का प्राइस कट लगा है दोस्तों, 4GB 128GB स्पार्क 20C। और आइटल के दो मॉडल्स हैं, आइटल P55 28,000 का था, 25,000 रुपये का हो गया है, और उसके बाद आइटल A05S 20,000 का था, 18,000 का हो गया है। ये तो दोस्तों जो आपको मॉडल्स बताने थे दोस्तों, जिनकी प्राइसेस कम हुई, अगर कोई और मॉडल रह गया तो सामने शो हो रहा होगा। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।